बाबर आजम है हमारे साथ, बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो क्वालिफाई कर लिया आपने और दूसरी अपनी फॉर्म बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं आप, इसकी क्या वजह है? अल्लाह का शुक्र है और जिस तरह हमने क्वालिफाई किया है सही टीम में एफर्ट थी। फॉर्म का यही था, जो मेरी फॉर्म जिस तरह थी नहीं शुरू में, और उसको मैंने ये कि नेट में अपना काफ़ी हार्डवर्क किया और जिस तरह मेरी फॉर्म वापस आई उसको मैंने ये कि माइंड लूज़ नहीं किया, उसको कंटिन्यू रखा मैंने। आपसे बात हो रही थी कुछ अर्सा पहले पार हिटिंग के बारे में, आप चाहते हैं कि पार हिटिंग में आप और ज़्यादा स्किलफुल हो जाएं, इस पे भी काम कर रहे हैं चौके छक्कों के ऊपर? जी बिल्कुल, रमेश भाई नेट में जाके यही यहाँ पे तो यही काम हो रहा है, पावर हिटिंग का काम कर रहा हूँ मैं अपनी बैटिंग पे, क्योंकि T20 में काफ़ी ज़रूर होती है एंड के ओवरों में, तो उस पर काफ़ी काम कर रहा हूँ। T20 में प्रेशर होता है आउट होने का या नहीं आउट होने का? आप नंबर 3 पे खेलते हैं, ये बाकी फॉर्मेट से किस तरह मुख्तलिफ है? काफ़ी मुख्तलिफ है रमेश भाई, क्योंकि आपने अगर लियोन चले गए तो आपको स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई रखना पड़ता है और सर्कल में आपने काफ़ी यूटिलाइज करना होता है, तो बस ऐसा प्रेशर अपने पे मैं इतना लेता नहीं हूँ, जो मेरी नेचुरल गेम है उसको मैं खेलता हूँ जाकर। बल्ले का क्या वेट है आपका? 2.8। खुश हैं? जी बिल्कुल, लेकिन इस तरह का एक मिलता बाकी अभी ढूंढ रहा हूँ मैं कि और मिल जाए। अच्छा, मिलेगा मेरा, इस तरह स्कोर करते रहे, बल्ले ही बल्ले हैं आपके, वैसे ही बल्ले बल्ले हैं। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू रमेश।